बिहार की जनता को विशेष रूप से आग्रह पर आज की ताज़ा राजनीति पर मैं कुछ बोल रहा हूँ। आज की ताज़ा राजनीति इस प्रकार की है कि श्री नीतीश बाबू इतने पलटी मारते हैं कि पूरे भारत में इतने पलटी मारने वाला व्यक्ति अभी धरती पर नहीं हुआ। ये शासन नहीं चला रहे हैं, ये शासन में समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ये अपनी कुर्सी के समाधान में लगे हुए हैं। कभी इस पला में, कभी उस पला में, गिरगिट की तरह अपना चाल बदलते रहते हैं। ऐसा शासक को नहीं होना चाहिए। ये झूठों की बात में लोगों को भुलाए हुए हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। विकास की नाटक को इन्होंने रच दिया है और अपने कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने इस तरह का प्रक्रम कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति से विकास के बात जो कर रहे हैं, ये भुलावा है, छलवा है, गिरगिट की तरह अपना ये चाल बदलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से बिहार के विकास की नींव सही रूप से नहीं हो सकती है। ये समस्या का समाधान नहीं, समस्या में उलझा रहे हैं सभी को। आज की ताज़ा राजनीति जो चल रही है, जिस तरह से उन्होंने गिरगिट की तरह पलटी पर पलटी मारते जा रहे हैं, जिसके चलते पूरे बिहार की जनता इस घटनाक्रम को देख रही है, उनको माफ़ नहीं करेगी। ऐसे प्रक्रम करने वाले व्यक्ति को ये राजनीति को हरण कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, नीतिगत राजनीति खत्म हो चुकी है। किसी का करेक्टर सही नहीं रहा है। राजनीति में इस तरह का कार्य करने वाला व्यक्ति विकास के नाम का ढिढोरा पीट रहे हैं। केवल आज बेरोजगारी की जो इतनी बड़ी समस्या है, जिस पाला में इन्होंने गया है, जिन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ क्या कहा जाए, 2 लाख भी नौकरियां नहीं दे पाए। लेकिन महागठबंधन के साथ जो सत्ता चल रही थी, उसमें शिक्षकों की बहाली, शिक्षा ही देश की रीढ़ है और पूरी जननी है विकास का। शिक्षा के विकास के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। अभी 2 लाख लमसम शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिन्होंने जा कर के बच्चों को सही ज्ञान और प्रचार प्रसार का काम करते, जिससे भारत और बिहार सभी का विकास होता। लेकिन विकास की नींव को हिला दिया गया है। इसी पर मुझे नीतीश जी पर एक कहानी याद पड़ता है कि देहातों में देखा जाता था कि कबड्डी का खेल होता था। कबड्डी के खेल में एक व्यक्ति होता था जो दाव का धुसिया बोला जाता था। दाव के धुसिया जिस पार्टी की ओर जाता था, उसी की सरकार बनती थी। बाकी उसी प्रकार से ये आज राजनीति का खेल चल रहा है। नीतीश बाबू कभी NDA में जा रहे हैं और कभी महागठबंधन में आ रहे हैं। इन्हें सत्ता चाहिए, प्रधानमंत्री का पोस्ट चाहिए, कुर्सी कुमार है ये व्यक्ति, व्यक्तित्व नहीं है इनमें, व्यक्तित्व का इनका हरण हो चुका है, पतन हो चुका है। ऐसे व्यक्ति का विकास, इसके द्वारा विकास संभव नहीं है। कोई भी सरकार 5 साल अगर सुरक्षित ढंग से, योजनाबद्ध तरीका से अगर चलता, तो बिहार की विकास आगे जाता। कभी ये मांग करते थे कि बिहार को विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और फिर पाला जब बदल लिए तो किससे मांगेंगे बिहार के विकास विशेष राज्य का दर्जा, किससे मांगेंगे? जिस पाले में मांगना था, उसी पाले में जाकर के गोदी में बैठ गए और बोल रहे हैं। ये NDA सरकार जो है, गंगा जल की तरह है। जो व्यक्ति जा करके गंगा जल में डुबकी लगा लेता है, उस व्यक्ति का देखिएगा कि सारे उसके जितने कुकर्म कर्म हैं, सब धुल जाते हैं और संत की तरह साख पाक हो जाते हैं। ऐसे सरकार चलती है, ऐसे विकास हो सकता है? 1 साल में, 1 प्रक्रम में, पूरे 5 साल में 5 बार गिरगिट की तरह पलटी मारना, पलटी मारना, उलटना, इधर जाना, उधर जाना, इससे क्या होती है? कोई भी योजना सही रूप से धरातल पर नहीं आ सकता है और विकास नहीं हो सकता है। इन्होंने बेरोजगारी की समस्या को इतने जटिल बना दिया और फिर उस पाला में भाग गए, जिस पाला में लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या में उलझाया जाता है, उनको विशेष कुछ दिया नहीं जाता है, उनसे छीन लिया जाता है। आज तक पूरे भारत और पूरे बिहार की सभी जनता के साथ धोखा हो रहा है, और ये धोखा वाले सरकार को, जनता को सबक सिखाना चाहिए। ऐसी सरकार बनाना चाहिए जो सही रूप से विकास के
रास्ते मार्गदर्शक के रूप में चल सकें। और ऐसे व्यक्ति को इस तरह से निकाल देना जिस तरह से दूध में मक्खी पड़ता है, मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है, उसी तरह से नीतीश कुमार का खेल अब अंतिम चरण चल रहा है। इनको कोई जनता माफ नहीं करेगी। इनको देखिएगा कि सभा में कितने इज्जत मिलता है, पलटू राम को इज्जत किस प्रकार से मिलता है, किस तरह से इनको लोग इज्जत करते हैं। आने वाला समय इनके लिए बहुत कष्टदायक होगा, कष्टपूर्ण होगा। जा करके इन्होंने सत्ता गोदी में तो बैठ गए जी, ऐसे गोदी में बैठे जिसमें खाली तिक्रम का जाल बिछाया जाता है। उन लोगों ने कहा था कि मैं आपके लिए पक्का दरवाजा बंद कर दिया है, तो इन लोगों ने पिछला दरवाजा, घर में जो होता है पिछला दरवाजा इन लोगों ने बंद किया है। अगला दरवाजा खोल के रखता था और टुकटुकी लगाए बैठे हुए था कि कब नीतीश कुमार इधर आते हैं। इस तरह से विकास नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। मैं पूरे जनता से आग्रह करता हूँ, इस चैनल को देखिए और देख करके विचार कीजिए। बिहार की अगर विकास करना है तो अस्थाई सरकार की स्थापना कीजिए जिससे बिहार का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।